तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं दधाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। नित्यानन्दमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिवसे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासे ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरे उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमामहं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवत गीता की आप सबका पुनः एक बार बड़ा बहुत हृदय पूर्वक स्वागत यहाँ पे उपस्थित हुए। कल आप सब ने सुना किस प्रकार से हम अज्ञान के कारण इस संसार में अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रहे हैं। कल हमने आप सबको बताया था कि आज भगवद गीता का वो श्लोक लेंगे जो कल रह गया था और हमने आप सबसे भी कहा था कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, शरीर हूँ, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है, हम लोगों की आइडेंटिटी क्या है, जो पहचान है, वास्तविक स्वरूप क्या है। तो आज उस पे उस विषय पे ही चर्चा करना है कि मैं कौन हूँ। आप में से कुछ लोग बता सकते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है कि मैं कौन हूँ। कितने लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ? सिर्फ चार लोग मैं कौन हूँ, बाकी लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। चार जो यहाँ पे उपस्थित श्रद्धालु भक्त हैं और चार भक्त हाथ उठा रहे कि मैं कौन हूँ, और यही असली समस्या है। वास्तविक समस्या यही है कि मुझे, हम सबको अपने बारे में भी पता नहीं है ठीक ठीक, लेकिन संसार के हर जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, या फिर पूरी दुनिया ही जीतने के लिए हम लोग इकट्ठा रहते हैं। हरे कृष्णा। आगे एक भक्त आई है और ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं इनको सबको पीछे ले जाइए प्लीज। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप एक जगह पे बैठ जाइए प्लीज। तो कथा एकाग्रता के साथ, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, भगवान की कथा बहुत ही एकाग्र होके और शांति से आनंद पूर्वक हमेशा श्रवण करना चाहिए। तो ठीक ठीक समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, जीवन में उतार पाएंगे और जीवन को सुंदर बना पाएंगे। नहीं तो एक जीव है, उसका नाम है सुंदर का
मिलता जुलता नाम एक जीव का, उसका नाम है बंदर। सुंदर का, सुंदर से मिलता जुलता नाम है क्या? बंदर। बंदर आप सबने देखा है, वो क्या करता है? एक जगह पे नहीं रहता है, एक जगह पे नहीं रहता है, वो हमेशा बेचैन रहता है। कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। भगवान ने सौभाग्य से हमें बंदर नहीं बनाया, हमें क्या बनाया है? सबसे उच्च कोटि का जीव, मनुष्य। तो हमें उच्च कोटि का व्यवहार प्रदर्शन करना चाहिए, हमें उच्च कोटि के तरीके से रहना चाहिए, नहीं तो हम बंदर जैसे हो जाएंगे, हम बंदर जैसे हो जाएंगे। हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो कृपया, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए, उसको उतना आदर के साथ, सम्मान के साथ, गंभीरता के साथ हमेशा हमेशा जीवन भर ऐसे ही सुनना चाहिए। बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से, बहुत शांति से, धैर्य धारण करके, आसन को जमा करके, हमें एकाग्रचित होकर भगवान की कथा हमेशा सुननी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। तो कल हमने कहा कि मैं कौन हूँ, ये विषय कल चर्चा होगी, और आज आप सब में से सिर्फ सिर्फ चार पांच भक्त ये बता रहे कि मैं कौन हूँ। देखिए हमारी दशा क्या है, हम लोगों की दशा क्या है कि हम अपने बारे में भी ठीक से नहीं जानते मैं कौन हूँ। लेकिन पूरा दुनिया हम जीतना चाहते, हर किसी की इच्छा है कि हम दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली, सबसे आगे निकलने वाले जीव, दुनिया में हमारा एक पताका हो, एक झंडा फहराए, दुनिया को हम जीत लें, और इसी होर में हम वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए हमारे अंदर क्षमता भी नहीं है। लेकिन बड़ा संकट ये है, अफसोस ये है, दुर्भाग्य ये है कि अपने बारे में नहीं पता मैं हूँ कौन। अपने बारे में ठीक ठीक साफ साफ बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर जानकारी नहीं कि मैं कौन हूँ, इस संसार में किस लिए आया हूँ। यहाँ पे मेरा क्या रोल क्या है, क्या करना है मुझे यहाँ पे, बहुत सारे इस तरह से प्रश्न है कि मैं संसार में किस लिए आया हूँ, क्या बचपन से बड़ा होके, जवानी जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद अपना शरीर त्यागने के लिए सिर्फ आया हूँ। जीवन विकास और हरास बस इतना ही है हमारा रोल, कि और भी हमारा कुछ काम है, कुछ जिम्मेदारी है। वास्तविक में हम यहाँ पे आए किस लिए हैं, ये एक बड़ा सवाल, और सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, ये उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूँ। अगर हम अपने बारे में ठीक ठीक जान जाए तो बाकी भी जो प्रश्न है, जो समस्या है, उसको सॉल्व कर सकते। तो वास्तविक में मैं कौन हूँ, इसका जो सही उत्तर है, बिल्कुल शास्त्र संगत, जो भगवान बताते हैं, कि कल आप सबने बहुत बार सुना ये उत्तर, लेकिन शायद आप सबके जानकारी में नहीं आए क्योंकि आपने उस पर मंथन मनन विचार नहीं किया। हमने बार बार कहा हम परमात्मा के अंश जीवात्मा हैं, हम भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा है उनके ही अंश जीवात्मा हैं।
तो हमारा वास्तविक पहचान कि मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, या अगर शॉर्ट में बोले संक्षिप्त में तो मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम सब क्या जानते हैं कि मैं रमेश हूँ, गणेश हूँ, सुरेश हूँ, या फिर डॉक्टर हूँ। किसी को आप पूछेंगे हु आर यू, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। कोई बोल सकता है आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए इंजीनियर, इस प्रकार से कोई बताते हैं आप उनको पूछेंगे तो। ये सही उत्तर नहीं कि हु आर यू, आप कौन है, ये आपका पैसा है, आपकी एक डिग्री मिली हुई है डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, या व्यापार भी आपका पैसा है। आप सिर्फ आप जीवात्मा है, आप डॉक्टर, आपका डॉक्टरी जो आपकी है वो पैसा है। लेकिन चलन में इस तरह से हम लोग उसको बोलते हैं, मैं वो हूँ, मैं हूँ। उससे भी आगे क्या बोलते हैं, मैं गुजराती हूँ। कोई पूछेगा आप कौन है, बोले मैं गुजराती हूँ। आप गुजराती नहीं, आप जीवात्मा है, गुजराती आपकी भाषा है, गुजराती आपकी भाषा है। आप कोई फॉर्म भरते स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो पूछी जाती है लैंग्वेज कौन सा है आपका, तो आप क्या लिखते, गुजराती। ये नहीं लिखते मैं गुजराती हूँ, लैंग्वेज गुजराती है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मैं गुजराती हूँ, कोई बोलता है मैं पंजाबी हूँ, कोई बोलता है मैं मराठी हूँ, कोई बोलता है मैं बिहारी हूँ, कोई बोलता है मैं बंगाली हूँ। ये सब भाषाएं हैं, ये सब हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है। ये सब हमारी भाषाएं हैं, ये हमारा सही आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसको एडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है, और अब इतना अपना लिया है कि संसार में इन सभी भाषाओं के आधार पे समाज बढ़ गई है, इन सभी भाषाओं के आधार पे समाज बढ़ गई है, और अलग अलग सामाजिक संस्थाएं चलती हैं, कहीं पे गुजराती समाज, कहीं पे मारवाड़ी समाज, कहीं पे बंगाली समाज, कहीं पे जितने भी भाषाएं, उतनी समाज बढ़ गए, उतने लोग बढ़ गए। और यही नहीं, उसके अंदर अनेक अनेक जातियां, अनेक अनेक जातियां, इतना बंटवारा करके बैठ गए हैं, इतना बंटवारा करके बैठ गए कि अब आपस में जो प्रेम होना चाहिए था वह प्रेम होता नहीं। गुजराती गुजराती के साथ बैठेगा, बिहारी बिहारी के साथ बैठेगा, मराठी मराठी के साथ बैठेगा, क्योंकि उनको लगता है कि बस ये मेरा पहचान है और यही मेरे अपने हैं। वो अपना वास्तविक पहचान जानते भी नहीं, और नहीं जानने के कारण ये एक बहुत भयंकर परंपरा स्टार्ट हो गई। और फिर वहां से बढ़ते बढ़ते ये इसका जो लाभ है, ये जो चलन है, इसका लाभ कौन उठाने लग गए, कुछ समझदार बुद्धिमान नेता लोग, उन्होंने और इसको बांटना शुरू कर दिया, और भी इसको बांटना शुरू कर दिया। उसके आधार पे पार्टियां चलने लग गए, उसके आधार पे समाज में और भयंकर उथल पुथल मचना शुरू हो गए। और जो सीधा साधा भोला वाला सच्चा जीवात्मा, वो उसमें पिसने लग गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें दोषी हैं, हम लोग इसमें उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी एक वास्तविक जो सच्चा जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो क्या है कि हम जीवात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। हम ये नहीं वो नहीं, भाषा के आधार पे हम अलग अलग नहीं हो सकते,
हम एक ही परमात्मा के संतान हैं, हम सब कृष्ण के ही अंश हैं, कृष्ण हमारे अंशी हैं, हमारे मूल हैं और हम सब उनके संतान हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। लेकिन मैंने कल कहा दो प्रकार के ही जीव है इस संसार में, एक चिटर और एक जिनके साथ चिटिंग होती है, एक बुद्धिमान वर्ग है और एक बेवकूफ मूर्ख वर्ग है। हमेशा बुद्धिमान मूर्खों को ठगते रहते हैं, उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो गीता हमें ज्ञान से जगाती है, वास्तविक हमारा पहचान स्वरूप बताती है, हमें सही रास्ता प्रदान करते जीने के लिए। हम कहते हैं कि ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं, ये हाथ मेरा है, तो मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। ये शर्ट मेरी है, चादर मेरी है, ये टेबल मेरी है, मतलब ये सब मैं नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। इसी प्रकार से ये भाषा मेरी है, मैं भाषा नहीं हूं, लेकिन चलन में यही आ गए और हम ऐसे मंडलों में शामिल होके आनंद कर रहे हैं और दूसरे लोगों से प्रेम की बजाय नफरत कर रहे हैं। और इसका फायदा कौन उठाते हैं? हमारे बुद्धिमान नेता लोग, बुद्धिमान जातियों के आधार पे ये देश बट गई है और देश चलाने वाले उसका आनंद उठा रहे हैं, उठा रहे कि नहीं? हम लोग को जागना चाहिए या नहीं जागना चाहिए? हम लोग जीवात्मा है, परमात्मा के अंश है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।